जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की हमारी रेसिपी है मसाला दही चाट। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कैसे बनती है मसाला दही चाट। ये मूंग दाल और अरद की दाल है। इन दोनों को मैंने आधा आधा कप लिया था और आधे घंटे के लिए इसे भिगा के रख दिया था। और अब आधे घंटे के बाद हम इसे मिक्सचर में डाल के क्रश कर लेंगे। ये हमारी दाल पीस के रेडी है। इसका टेक्सचर ऐसा रखना है और पीसने के टाइम हमें इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, नहीं तो इसके बड़े नहीं बनेंगे। इसे हमें अच्छे से गूंथना है ताकि ये लाइट वेट हो जाए। और इसको फुलाने के लिए हमें सोडा की ज़रूरत ना पड़े, अपने आप ये फूल जाएंगे, इसलिए हमें इसे अच्छे से गूंथना है। यहाँ पर हमने तेल रख दिया है और अब हम देखेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तेल हमारा गरम हो गया है क्योंकि जो हमने बैटर डाला वो ऊपर आ गया है। तो अब हम जो बैटर हमने तैयार किया है वो हम इसमें डालेंगे। एक एक चमची, एक एक चमची यानी कि जितना भजिया भजिए का जो शेप हो वैसा। आप बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो। हम मीडियम साइज का बनाएंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। इसमें पहले हम हमारे भजिए रखेंगे। और ये दही है और अब हम इस पे इसके ऊपर डालेंगे लाल मिर्च, ये जीरा पाउडर, चाट मसाला, ये पापड़ का भुट्टा है, अगर आप चाहे तो इसे क्रिस्पी कर सकते हैं। और ये ऊपर से कोफ्ता। तो ये रेडी है हमारा दही मसाला चाट। ये थी हमारी मसाला दही चाट। आप भी बनाइएगा, खाइएगा और अच्छी लगे तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और अच्छी नई नई रेसिपी के साथ।